वहीं बिहार के सारण से आरजेडी के उम्मीदवार और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी भी आज लोकसभा चुनाव के लिए पर्चा भरने वाली है। खबर है कि रोहिणी के नॉमिनेशन के दौरान खुद लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। रोहिणी को अपनी जीत का पूरा भरोसा है और वो लगातार जनसंपर्क में जुटी हुई है। रोहिणी बीजेपी पर चुन चुन कर वार कर रही है। वे आज जनसभा को संबोधित भी करने वाली है। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे और बाकी चरणों के मतदान के लिए प्रचार चरम पर है। देश के कोने कोने में जिन क्षेत्रों में मतदान होने वाला है उन इलाकों में उम्मीदवार चुनाव प्रचार और जनसंपर्क में पूरा जोर लगा रहे हैं। लोगों को अपने पक्ष में करने और बंपर मतदान के लिए रिझाने में उम्मीदवार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। इस सिलसिले में जगह जगह से चुनाव प्रचार की कई अनोखी तस्वीरें आ रही हैं। हम आपको दिखा रहे हैं वो खास तस्वीरें जिनमें उम्मीदवारों और मतदाताओं का चुनाव के लिए उत्साह साफ साफ नजर आ रहा है। एक तस्वीर आई है हरियाणा के कैथल से, जहां बीजेपी की विजय संकल्प रैली में लोक कलाकार नाचते गाते नजर आए। वहीं हरियाणा के हिसार में कांग्रेस नेता और लोकसभा उम्मीदवार मतदान से पहले ही जश्न के मूड में दिखे। उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं को मिठाइयां खिलाई। वहीं अपने निर्वाचन क्षेत्र अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी स्कूटी पर सवार होकर लोगों के बीच प्रचार करती हुई दिखी। तो तमिलनाडु के धर्मपुरी में एआईएडीएमके नेता पलनीसामी लोगों को छाछ और फल बांटते हुए नजर आए। अनोखी तस्वीर हिमाचल के चंबा से भी सामने आई है। यहां बीजेपी उम्मीदवार कंगना के पक्ष में प्रचार के लिए बीजेपी विधायक जनक राज बर्फीले इलाके में कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा करते नजर आए। तो मध्य प्रदेश के गुना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी बाजार में जनसंपर्क करती और दुकानदारों से वोट मांगती हुई दिखी। इस दौरान मिठाई की दुकान पर उन्होंने मिठाई भी खाई।